तो ये देखिए फाइनली हमारा बेसन का लड्डू बनके तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बेसन के लड्डू के लिए हमने फ्रेंड्स एक फ्राई पैन लिया, उसमें 2 से 3 चम्मच घी डाला है। तो घी को डालने के बाद हम इसे अच्छे से फैला लेंगे और उसके बाद हम इसमें बेसन को डालेंगे और फ्लेम को कम कर देंगे, बिल्कुल लो पे रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ करेंगे तो हमारा बेसन जल्दी जल जाएगा। तो ये हमने 100 ग्राम बेसन लिया है और 100 ग्राम बेसन लिया है तो ये लगभग घी हम लगभग 30 ग्राम के आसपास लेंगे, तो 7 से 8 चम्मच टोटल हमने घी लेना है। और इसे लगातार आप चलाते रहेंगे, क्योंकि इसी तरीके से आप चलाते रहेंगे तभी ये अच्छे से इसमें जो कच्चापन होता है बेसन का वो निकल जाएगा। हालांकि बेसन के लड्डू जो है थोड़ी दानेदार बेसन का ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये बिल्कुल पतला वाला बेसन है, तो दानेदार बेसन का आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो ये देखिए हमने फिर से घी डाला 1 चम्मच। आप इसी तरह से बीच बीच में घी से डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे और फ्लेम को बिल्कुल कम ही रख के इसे भुनेंगे ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। और इसे कलछों की मदद से इस प्रकार से हल्का इसके जो दाने हैं अच्छे से मैश करते रहें। तो ये देखिए इसका कलर भी हल्का सा चेंज हुआ है, ज़्यादा चेंज भी नहीं करना है कलर। तो फिर से हमने थोड़ी सी घी डाला है, 100 ग्राम में हमने लगभग 7 से 8 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। तो इसे आप इसी प्रकार से लगातार आप चलाते रहेंगे ताकि ये जो है अच्छे से हमारा जो बेसन का कच्चापन है वो निकल जाए। और बहुत ही आसानी तरीके से ये लगभग 20 से 25 मिनट में ये बेसन के लड्डू बनके तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो फाइनली हम इसे चलाते रहेंगे और कुछ इस प्रकार से इसका टेक्सचर कुछ आपको देखने को मिल गया होगा। तो ये देखिए फाइनली हमारा कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा आप चलाते रहेंगे। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल गीला हो गया है। तो इसी स्टेज पे फ्रेंड्स हम चूल्हे को बंद कर देंगे। आप इसे भी थोड़ी सी लगातार चला लें ताकि जितने भी दाने अच्छे से मिल जाए। उसके बाद हम यहाँ पे पीसी हुई चीनी लिया है, तो बेसन का आधा हम चीनी ले लेंगे, ये लगभग 50 ग्राम के आसपास चीनी है और इसे हम पीस लिए हैं चीनी को। तो यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर के बाद इसमें हम डाल लेंगे चीनी और इसे भी अच्छे से हम मिला लेंगे। तो ये देखिए आप इस तरीके से इसे मिलाएं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार के फॉर्म में ये बन गया है। तो अब हम इसे हाथों से थोड़ी सी मैश कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसे शेप देंगे। तो शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं फ्रेंड्स, गोल चौकोर भी दे सकते हैं आप शेप। तो ये देखिए हमने कुछ इस प्रकार से हाथों में लेके इसके लड्डू बनाएंगे। तो इसका साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये 100 ग्राम बेसन में लगभग 6 से 7 लड्डू ये बन जाते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये, और इसका जो इसमें जो घी है वो देखिए आपको दिख रहा होगा। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने सारे लड्डू को बना लिया है और थोड़ी सी हम ड्राई फ्रूट पिस्ता से इसे गार्निश करेंगे। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो करें, नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, आप बादाम से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। तो है ना बिल्कुल आसान बनाना ये रेसिपी फ्रेंड्स। तो कैसी लगी ये फ्रेंड्स रेसिपी आपको, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि किसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए आप इंजॉय करें। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि किसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।